हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास फिफ्थ का जर्नल सीरीज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 स्प्रिंग इज कमिंग। सो उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ड पावर जैसे ओपन करेंगे पहला तो हमारा लिसन एंड रिपीट है। सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अपनी बुक को ओपन कर लें, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस आपके बुक में इसके सारे के सारे आंसर्स कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वर्ड पावर में, आप देखेंगे कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द गिवन क्लूज, मतलब जो नीचे क्लूज दिए हुए हैं उस क्लूज को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पजल दी हुई है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में जो गिवन है तो क्लूज आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। वन ऑफ द मैनी स्पॉटलाइट पार्ट्स कवरिंग द बर्ड्स बॉडी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लास, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फेदर। पहले वाले आपको पजल में क्या मेंशन करना है, फेदर। फेदर क्या होते हैं, पंख के लिए बोला जाता है। सेकेंड नंबर वाला हमारा क्या है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच फ्रूट्स डेवलप, द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे प्लांट का जिसपे क्या होता है कि फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है, फ्लावर में ही फ्रूट होता है, आपको पता है कोई भी पेड़ होता है जो पेड़ का फ्लावर होता है उसी में क्या होता है, फ्रूट आता है बाद में। अ क्रिएचर विथ विंग्स, एक क्रिएचर बताना है किसके साथ, विंग के साथ, तो वो क्या होते हैं बर्ड्स, सभी के सभी बर्ड्स के पास साथ क्या पास क्या होता है, विंग होता है। फोर्थ नंबर वाला हमारा क्लास क्या है, वन हु बेब्स, तो कौन हो जाता है इसमें क्या हो जाएगा, वीवर, ठीक है। अ प्लीजेंट सीजन, एक बढ़िया सा क्या होता है जो सीजन होता, तो वो कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो बढ़िया सा सीजन तो स्प्रिंग ही होता है, स्प्रिंग को बसंत ऋतु बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो आपको गिवन वर्ड्स हैं इनसे आपको क्या बनाना है, नाउन बनाना है, तो इसके डायरेक्ट मैं आपको आंसर से बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप पेज को टर्न करेंगे, पेज में आप देखेंगे बी नंबर पे क्या करना है, मेक नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो गिवन वर्ड है उसमें से आपको नाउन बनाना है, तो टीच का क्या हो जाएगा हमारा, टीचर हो जाएगा, ठीक है। लर्न का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लर्नर हो जाएगा। चेक का हमारा क्या हो जाएगा, चेकर हो जाएगा। रन का क्या हो जाएगा, रनर हो जाएगा। और प्रीच का क्या हो जाएगा, प्रीचर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्लास, जो भी हमारे आंसर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसके मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए विच फ्लावर्स आर मेंशनड इन द पोएम, ऐसे कौन कौन से फ्लावर हैं जो कि पोएम पे मेंशन गए हैं, किए गए हैं, तो आपको पता है कि पैंसी हो गया, लिलीज हो गया, डेफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोएम, ये आपको राइट कर लेना एज इट इज, जो आपकी कॉपी में हेल्प करेगा आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करने में। क्या हो गया, पैंसीज, लिलीज, डेफोडिल्स एंड आर मेंशनड इन द पोएम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलें, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर, चारों ओर एटमॉस्फेयर बिल्कुल जॉयफुल क्यों था, खुशी से भरा हुआ क्यों था। द एटमॉस्फेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर ड्यू टू स्प्रिंग, किसके कारण एटमॉस्फेयर चारों ओर बढ़िया था, किसके कारण, स्प्रिंग सीजन के कारण। स्प्रिंग सीजन जब जो था तो उसके कारण क्या था, चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस स्प्रिंग के टाइम पे चारों ओर फूल खिल जाते हैं, फूल ही फूल होते हैं, ठीक है। हुम डज द पोएट एस टू मेक अ नेक्स्ट एंड वाई, मतलब पोएट किससे, यहाँ पे आस्क होना चाहिए क्लास, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको लिख देता हूँ, पीडीएफ बनाते टाइम क्या हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये ASK हो गया, ठीक है ना। हुम डज द पोएट आस्क टू मेक द मेक अ नेक्स्ट एंड वाई, मतलब जो पोएट है वो किससे पूछता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, एक नेक्स्ट बनाना चाहिए, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, घोंसला बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, ठीक है ना। पोएट आस्क टू बर्डीज टू मेक देयर नेक्स्ट फॉर देयर वेस्ट, ठीक है। क्या कहता है, पोएट कहता है बर्ड से कि तुम क्या बनाओ, अपना नेक्स्ट बनाओ अपने बेस्ट के लिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ नेक्स्ट मेड ऑफ, जो नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है किससे बना होता है, द नेक्स्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर्स, मतलब स्ट्रॉ इस तरीके के, जैसे मान लो लकड़ी वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे,
और फेदर्स मतलब पंख वगैरह उस पर मिला, जो टूटे फूटे रहते हैं उसी को उससे मिला के क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट बनता है मतलब घोंसला, ठीक है ना। वॉट डज द पोएट मीन बाई ऑल अराउंड इट, ऑल अराउंड इज फेयर, ठीक है ना। मतलब ऑल अराउंड फेयर से पोएट का क्या मतलब है। इन स्प्रिंग देयर इज अ जॉयफुल एटमोसफेयर एंड क्लियर वेदर, क्या होता है कि जो स्प्रिंग का समय होता है, ठीक है ना, उस पर क्या होता है कि चारों ओर खुशी का माहौल होता है, एटमोसफेयर जो होता है, और मौसम कैसा रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, क्लियर वेदर रहता है। सो एवरी थिंग सीम्स फेयर एवरीवेयर, तो हर जगह हमें सब कुछ अच्छा दिखता है और अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम की, जॉयफुल स्प्रिंग मतलब खुशी से भरी हुई बसंत ऋतु, ठीक है। चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट अल्टरनेट क्वेश्चन है हम उसको करेंगे थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, पहला इसमें क्या दिया हुआ, स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड इज फेयर, आपको बस यही राइट कर लेना है जो आपके आंसर में, ऑल अराउंड इज फेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मिनट क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ थोड़ा। ओके क्लास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जॉय इज एवरीवेयर, आपको क्या लिखना है लास्ट में, जॉय इज एवरीवेयर, ठीक है। लेट्स टॉक में आ जाते हैं, लेट्स टॉक में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए लेट्स टॉक में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है ना। सो क्या होता है, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, कितने सीजन्स होते हैं ईयर में, देयर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर, मतलब चार सीजन होते हैं एक पूरे ईयर में, ठीक है ना। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा आपको सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है, आई लाइक स्प्रिंग सीजन मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा स्प्रिंग का सीजन पसंद है, ठीक है। वॉट इज इम्पोर्टेंट ऑफ द रेनी सीजन, क्या इंपॉर्टेंट होता है रेनी सीजन में, ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है। रेनी सीजन बी ऑब्टेन द वाटर पंप ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन पर्पज, ठीक है ना। जो रेनी सीजन होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है, जो कि काहे के लिए होता है, वाटर पंप के लिए होता है और इरीगेशन पर्पज के लिए यूज होता है बाद में, ठीक है। वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू द वेरियस सीजन, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं किससे रिलेटेड होते हैं वेरियस सीजन पे। सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वेरियस सीजन्स आर एज अंडर, कुछ फेस्टिवल आते हैं तो कौन कौन सा होता है, जैसे देख लीजिए रक्षाबंधन कब आता है, रेनी सीजन में आता है, ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। फिर दशहरा और दिवाली ऑटम में आता है, मतलब ठंड थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता ठंडी। देखो ऑटम कौन सा सीजन कहलाता है, जो विंटर और रेनी सीजन के बीच का टाइम होता है उसको हम ऑटम बोलते हैं, ठीक है ना। फिर लोहड़ी और एक्स जो आपका क्रिसमस वगैरह नहीं आता, फिर मकर संक्रांति, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, विंटर सीजन में आती हैं, ठीक है ना। फिर बसंत पंचमी कब आती है, स्प्रिंग सीजन में आती है। बसंत पंचमी कब आती है क्लास, स्प्रिंग सीजन में आती है। चलिए विच इज़ द कूलेस्ट सीजन, सो विंटर इज़ द कूलेस्ट सीजन, विंटर ही सबसे ज़्यादा ठंडा सीजन होता है, आपको तो पता है। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया है, पैसेज आपको अपने बुक से पढ़ लेना है, उसके मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है ना। व्हाट डिड द पोएट प्लांट इन द सॉयल, पोएट ने सॉयल में क्या प्लांट किया था, तो क्या प्लांट किया था, सीड को प्लांट किया था, ठीक है। वॉट वॉज द कलर ऑफ फ्लावर, कल फ्लावर का कलर कैसा था, वाइट कलर का था, ठीक है। ओके, हाउ डिड द फ्लावर्स लुक टू द पीपल, हाउ डिड द फ्लावर्स लुक टू द पीपल, दे लुक लवली, वो बहुत अच्छे दिखते थे, लवली मतलब बहुत प्यारे सुंदर, ठीक है। How did his garden look? Garden look lovely too. Garden भी बहुत अच्छा दिखता था, ठीक है। इस पैसेज का जो हमारा सुटेबल टाइटल है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो बेक अप द सीट, इस पाय क्या होगा, इसका सुटेबल टाइटल होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे चलें, क्या देखिए अब क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर स्कूल। सो जैसे आपका आपका जो स्कूल है, यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम फिलअप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे महेश्वरी लिखवा हुआ है, ठीक है ना। फिर महेश्वरी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल ग्वालियर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप अपना डाल सकते हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। फिर सेकंड वाला नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए देयर आर 100 स्टूडेंट इन माई स्कूल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 100 आपको लिखना है चाहे 500 लिखना है, ये वाला हिस्सा आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर
देयर आर 10 टीचर इन माई स्कूल, 10 टीचर तो किसी स्कूल में नहीं होते, बड़े स्कूलों में अच्छे टीचर होते हैं और ज़्यादा टीचर होते हैं, तो आप इसको क्या मेंशन कर लीजिए, 20 टीचर या 30 टीचर, ठीक है ना। मिस्टर आर के सिंह टीचर्स इज इंग्लिश, आपको बताना है कि आपके कौन से टीचर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर मिस्टर शर्मा इज आवर हेड मास्टर, मिस्टर शर्मा जो हैं हमारे कौन हैं, हेड मास्टर हैं, ठीक है। तो आपके जो हेड मास्टर मतलब प्रिंसिपल जो होंगे या हेड मास्टर, तो आपको बताना है, ठीक है। जैसे ही आप पेज को टर्न करेंगे अपने बुक में, तो आप पीछे देखेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप कर रखी है, तो आपको उसको देख के उसी तरीके से फिलअप कर लेना है, ठीक है। जैसे टू द हेड मास्टर उसमें लिखा हुआ है, टू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, हेड मास्टर जो फिलअप वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिसलिए आपको ये ना लगे, मैं केवल फिलअप में ही अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। चलिए तो टू द हेड मास्टर, फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, सर मैडम भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई पास्ड क्लास फिफ्थ, ये आपका अंडरलाइन पे है, लिख लेना है, ठीक है। आई पास्ड लिख देना है, ठीक है। क्लास फिफ्थ फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर, आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास सिक्स, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एडमिशन लेना चाहता हूँ किस में, क्लास सिक्स में। तो अब क्या करना है, आई नीड माई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मुझे क्या जरूरत है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की, प्लीज उस इशू मी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आप मुझे इशू कर दीजिए क्या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, थैंक यू, योर ओबीडियंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी जो भी है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्या नेक्स्ट चैप्टर पे, एमपी बोर्ड क्लास फिफ्थ। आप जैसे मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जैसे ही अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। ये देखिए इसकी पीडीएफ बिल्कुल यहाँ पे तैयार है, ठीक है। चलिए।